जय झूलेलाल दोस्तों, अखंड सिंधु संसार विचार मंच पारां सिंधी साहित्य कला ऐं संस्कृति खे समर्पित कार्यक्रमनि जो सिलसिलो जारी आहे। हे नओं सिलसिलो हिकु असां शुरू कयो आहे, जंहिंजी सॼी रचना मशहूरु आकाशवाणी अनाउंसर ऐं मंच संचालिका शोभा लेखवाणी कयो आहे। हिन में असां हर अंक में कंहिं न कंहिं वरिष्ठ साहित्यकार खे समर्पित हिकु आयोजन करे रहिया आहियूं, जंहिंमें उन साहित्यकार जी रचनाउनि सां गॾु हर रचनाकार पंहिंजी पंहिंजी रचना ई पेश करे रहिया आहियो। 4 अक्टूबर ते प्रसारित सदा हयात अर्जुन हासिद साहब खे समर्पित कार्यक्रम जो सभिनीनि ॾाढो आनंद वरितो ऐं साहित्य जगत ऐं कला जगत में ॾाढी साराह थी। उन ई कड़ीअ में अॼु पेश करे रहिया आहियूं सदा हयात कृष्ण खटवाणी साहब ऐं असांजे दोस्त महेश नैनवाणी खे समर्पित हे आयोजन। हिन आयोजन में अव्हां ॿिनि शख्सियतुनि जी रचनाऊं बि ॿुधंदा ऐं साण साण जेके कवि आहिनि उहे पंहिंजी रचनाऊं बि ॿुधाईंदा। अव्हां पंहिंजा राया वीचार कमेंट बॉक्स में लिखो। अखंड सिंधु संसार जे यूट्यूब चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब कयो, जीअं जेके बि प्रोग्राम हिन ते प्रसारित थींदा उन जी जानकारी अव्हां वटि पहुचंदी रहंदी। अॻिते जी कार्यवाही सुश्री शोभा लेखवाणी हलाईंदी। अचो त आनंद वठूं अॼु जे कार्यक्रम जो। सभिनी खे शोभा लेखवाणीअ जी मिठड़ी मिठड़ी राम राम, नमस्ते, जय झूलेलाल। सिंधी साहित्य जे आसमान में चमकंदड़ 2 सितारा, कृष्ण खटवाणी ऐं महेश नैनवाणी, उन्हनि खे समर्पित अॼ जी हिन शाम में सभिनी साहित्य प्रेमियुनि जो दिलि सां स्वागत आहे, स्वागत आहे, स्वागत आहे। साथियों, अॼु सदा हयात जिन जा असां नाला ॿुधायासीं, असांजे सिंधी साहित्य जा चमकंदड़ सितारा कृष्ण खटवाणी जी ऐं महेश नैनवाणी जी, जेके असांजे हितां भोपाल जा ई हुआ, ऐं कृष्ण खटवाणी जी असांजे मध्य प्रदेश जा ही इंदौर में रहंदड़ हुआ। उन्हनि जे बारे में असां पंहिंजे साहित्यकारनि सां बि परिचित मुसां उन्हनि सां पुछंदासीं कि उहो कीअं उन्हनि खे यादि कयो आहे ऐं कीअं उन्हनि जे साहित्य सां जुड़िया आहिनि। ऐं मां इन में तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त सभ खां पहिरीं पंहिंजो कविता पाठ करण लाइ मां सादर आमंत्रित कंदसि असांजी हैदराबाद मां जुड़ियल असां सां भेण, ॼातल सुञातल ग़ज़लकार, नज़मूं ऐं कविताऊं बि लिखंदी आहे भेण सुनीता लुल्ला जी। उन्हनि जे बारे में जीअं मां चयमि तव्हांखे, पहिरीं हे प्राचार्य जे पद तां रिटायर थिया आहिनि ऐं साहित्य जगत में हींअर पंहिंजो जीवन समर्पित करे रहिया आहिनि ऐं ॾाढी सुठियूं नज़मूं, दोहा, कविताऊं एॾी शानदार लिखंदा आहिनि कि उन जी झलक तव्हांखे हिते ॾिसण लाइ मिलंदी। असां सां गॾु हींअर हैदराबाद मां भेण सुनीता लुल्ला जी, तव्हांजो स्वागत आहे। नमस्कार। सभिनीनि खे मुंहिंजो नमस्कार। सभिनीनि खां पहिरियों लख लख थोराइती आहियां अखंड सिंधु संसार जी, जिन मूंखे हिते जी इहो मौको ॾिनो आहे कि उन्हनि जे द्वारा मां सॼे हिंदुस्तान सां गंढिजंदमि। बिल्कुल सिंधी साहित्य जा सभई हेॾा वॾा ॼाणू माण्हू, उन्हनि जे साम्हूं अॼु मूंखे अचण जो मौको मिलियो आहे। तव्हां सभिनीनि जा लख लख थोरा। त पहिरियों मां स्वागत है। तव्हांखे कृष्ण खटवाणी साहब जे बारे में ॿुधायां या डायरेक्ट पंहिंजी रचनाऊं? न कृष्ण, मां उहो ई चाहींदसि कि असां उन्हनि जे समर्पित हीअ अॼु जी शाम कई आहे त असां वारी हा वारी नैनवाणी साहब खे बि यादि कंदासीं, खटवाणी साहब खे बि। त पहिरीं तव्हां खटवाणी साहब खे, कृष्ण खटवाणी जी, जेके वाकई पंहिंजे इन असांजे साहित्यकारनि जा सारथी कृष्ण हुआ, कृष्ण खटवाणी जी, त उन्हनि जे बारे में कुझु ॿुधायो जी। चवंदा आहिनि, माण्हू सभु सुहिणा, जी पखी सभु हंज, कंहिं कंहिं जी माण्हूअ मंझि अची बुई बहार जी। बिल्कुल कवि, गीतकार, कहानीकार, नॉवल नवीस त घणा ई थिया,
पर उन में काई काई शख्सियत अड़ी होंगी है जी पांजी अलग पहचान ठा दी। कृष्ण बिल्कुल खटवाणी सही साहब कहड़ा हुआ उन खासियत बुधाईम पर पैरों उन बारे में बुधाया। सिंध इन वक्त भले पाकिस्तान में आ पर जडी हो जाया हा हिंदुस्तान। सिंध में जी 1927 में ठारू शाह में जाया पो जी तेखो पो जी देश जो बंटवारो थो पर उन्हें जो पांजी एजुकेशन कई पढ़ाई लिखाई कई शांति निकेतन शांति के निकेतन में ग्रेजुएशन उन्हें जी कयाऊं। और पर उन्हें जा लिखण जो तरीको अड़ो हों जी कोई पेंटर कोई चित्रकार चित्रकारी कंदो आ कि तवा के वाह सोचणो न पए तांजे सामो गाल अची वनी एड़े सुठे नमूने लिखंदा वाह हा। उन्हें 6 उपन्यास लिखा नॉवेल्स और जी नव कहानी संग्रह सोचो ढी जी वही गाल कहानी केतरी 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 अलग बिल्कुल या करे उन्हें के बधी करे सिंध के बारे में आम आदमी के बारे में महिलाओं के बारे में तरह तरह जो उन्हें कहानी लिखियों। और मां थोड़न उन्हें मानून सा गालायो भी जिन उन्हें जे कहानी जो तर्जुमो कयो आ तो उन्हें को जेका जान माके पई वो डाढ़ी लाजवाब निकती। उन्हें इन को सिवाय कविता भी लिखियन ब कविता संग्रह उन्हें जा एक नाटक और चार संपादन कल बया पुस्तक उन्हें सामू आंदा। तो माने उन्हें जे रचनाओं जो काम जो दायरो डाढ़ो वो डाढ़ो वो थो एक जगह से सेटल थी करे थोड़ो घणो बुधायन यो न कयाऊं। उन्हें जी ब कहानियों खास करके एक तो टूटी हुई तारे टूटी हुई जंजीरें और बो मरा हुआ आदमी इन बिन कहानियों जो तर्जुमो हिंदी में कयो आ देवी नागरानी। और मुझी खुशकिस्मती है देवी नागरानी वो शख्सियत रहा है जिनसा मां शुरू लाख प्रभावित रही आया मुख्य सिंधी में कविता करण जो हुनर जो शुरुआत लाख एक लक्ष्मण दुबे मुझा काव्य गुरु बो देवी नागरानी। तो कल मां देवी नागरानी से गलो कृष्ण कटवाणी के बारे में भी जान प्राप्त कई तो उन्होंने ढी सुठी गाल बुझाई तो उन्हें मरा हुआ आदमी और टूटी हुई जंजीरें हिंदी में तर्जुमो किया कृष्ण कटवाणी साहब के कहानी जो। इन्हीं को सिवाय एकड़ो उपन्यास कृष्ण कटवाणी साहब जो स्मृति एक प्रेम की जिनो हिंदी में तर्जुमो किया और अकादमी पुरस्कार इनके 1980 में मिलो। देखो पो उनके टाइम टू टाइम मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार साहित्य अकादमी सिंधी अकादमी के पारों चंगा पुरस्कार मिलिया। 1981 में मध्य प्रदेश जो साहित्य अकादमी जो सामी पुरस्कार उन्होंने मिलो जो पांजे इन में वे रुतबे वो इम्तहान माने पुरस्कार आने रुतबे के पुरस्कार के हासिल करण वाली शख्सियत कि लाजवाब होंगी। उनके सिवाय गौरव पुरस्कार 2006 में भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता के द्वारा 1991 में उन्होंने अवार्ड मिलो। तेखो पो याद एक प्यार जी 2005 में उन्होंने पुरस्कार मिलो। तो इन पुरस्कार घणनि के मिलना पर चवना कि कृष्ण खटवाणी साहब पांजे समकालीन जेके उन्होंने तैमाल भी मानू हुंदा लेखक कहानीकार तो उन्हीं में उन्हें जो नालो चित्रकार वांगुर ढी वी गाल पर उन्होंने एक ढी हुई कें खेमे में न रहा न तो ऐसो राजनीति में हो चाहे साहित्य में हो खेमे में बढ़ी वा मू इन मतों कोई खेमो न हो स्वच्छंद लिखी करे पांजी अलग शख्सियत कायम करे उन्हें लिखो और सिंधी साहित्य के ढो अगत तीन वायाऊँ बस यह मुझी सदभावना। बाकी हाने इजाजत हुजे तो मां पांजो गजल पेंजी रचना जी स्वागत है स्वागत है। मींजो एकरो लेटेस्ट जेको सिंधी गजल जो अगे साल 2019 में 22 जुलाई ते भोपाल में विमोचन थियो जे किताब जो तमा के देखारिया भी थी हे किताबा डाको डाको मन जी
हाँ तो जी मां इन्हीं मो तवा के पांजो पहरियो पहरियो कलाम थी बुधाया ते को पो हिकु बियो कलाम जे करे इजाजत हुंदी त बुधाइंदस। बिल्कुल बिल्कुल। डाको डाको मन तिरक्यो हुओ डाको डाको चढ़ी गयो। डाको डाको मन तिरक्यो हो डाको डाको चढ़ी गयो खोट लगल ही मन मंझ काई सोचण तोखे भरी वयो। खोट लगल ही मन मंझ काई सोचण तोखे भरी वयो। ऊंदाई में वेठी हम मां ऊंदाई में वेठी हम मां नजर हणी चौधारी मां नजर हणी चौधारी मां याद जो तुहिंजी आई जण को डियो अचानक बरी वयो। याद जो तुहिंजी आई जण को डियो अचानक बरी वयो। मुहिंजा सपना कच्चा पक्का मुहिंजा सपना कच्चा पक्का रूप रंग का गाफिल होया। मुहिंजा सपना कच्चा पक्का रूप रंग का गाफिल हा तू भी कदह निहारियो नाए मन वेचारो मरी वयो। तू भी कदह निहारियो नाए मन वेचारो मरी वयो। अगतो अर्जा उस तिखी ए पंद परे हो उस तिखी पंद परे हो मंजिल जो को पतो न हो। उस तिखी ए पंद परे हो मंजिल जो को पतो न हो प्यार वेचारो कचड़ो गुल हो पत्तो पत्तो सड़ी वयो। प्यार वेचारो कचड़ो गुल हो पत्तो पत्तो सड़ी वयो। आखरी आखरी शेर बुध जो नियरा थोरा मस्त बहारियों थोरा डी नियरा थोरा मस्त बहारियों खुशबू भी भरपूर मिली। नियरा थोरा मस्त बहारियों खुशबू भी भरपूर मिली। वक्त जी मुंद वेही उडामी वक्त हाँ। जी मुंद वेही उडामी हर एक गुल पो झड़ी वयो। हर एक गुल पो झड़ी वयो डाको डाको मन तिरक्यो हो डाको डाको झड़ी वयो। सुहिणी रचना जी बस शुक्रिया। इजाजत आए एक बियो पढ़ण जी एक बी रचना जी हाँ तरन्नुम में बुधाया। बिल्कुल हल बिल्कुल बिल्कुल जरूर हे बियो गजला कदह कदह सुड़कन के ठारे सब सहबोआ कदह कदह सुड़कन के ठारे सब सहबोआ हाल अंदर जो सब सुनो आ ये चाहबो आ हाल अंदर जो सब सुनो आ ये चाहबो आ लाल जवाहिर माणिक मोती सब विराए लाल जवाहिर माणिक मोती सब विराए टांडा कंडा सूर समूरा सब रखबो आ टांडा कंडा सूर समूरा सब रखबो आ राह इश्क जी सवली नाही बिल्कुल राह इश्क जी सवली नाही जब जाने तो राह इश्क जी सवली नाही जब जाने तो हली पई त दर्द जुदाई सब वठबो आ हली पही त दर्द जुदाई सब वठबो आ प्यार दोस्ती नाता रिश्ता इम्तिहान आ हर रिश्ते में इम्तिहान आ प्यार दोस्ती नाता रिश्ता इम्तिहान आ विरी झिरी पर संजा ठाई वर ठहबो आ विरी झिरी पर संजा ठाई वर ठहबो आ पांद असांजे गुल ईंदा या पत्थर पौंदा पांद असांजे गुल ईंदा या पत्थर पौंदा खिल खुशी असा ओसारे में सब रखबो खिल खुशी असा ओसारे में सब रखबो नींद नेह जी सब कहजी तकदीर तनाहे नींद नेह जी सब कहजी तकदीर तनाहे हली वया से मोटी ईंदा दगु ॾिसबो आ हली वया से मोटी ईंदा दगु ॾिसबो आ आख़िरी शेर ते अर्ज़ु कयां पगर पकेरा
वया उडामी देश पराए, उडर पखियरा वया उडामी देश पराए, मन पर चाए पिण मुश्काए याद कबो आ, मन पर चाए पिण मुश्काए याद कबो आ, कदह कदह सुदकन के थारे सब सहे बोआ, कदह कदह सुदकन के थारे सब सहे बोआ। वाह 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 वाह, बड़ी सुठी रचना, बड़ी सुहणी तरन्नम में, वाकई ॾाढो ॾाढो शुक्रिया। अॼु वाकई अखंड सिंधु संसार जो की मंच गुलज़ारा असां तव्हां सभिनी गुलजार बिल्कुल बिल्कुल सभिनी साहित्यकारनि जी रचनाउनि सां ऐं उन्हनि सां गॾु असांजे वरिष्ठ साहित्यकारनि खे जी याद सां अॼु महकंदो अॼु जो ही हुई मंच। हा बिल्कुल बिल्कुल, त हाणे मां यदि असां जी जी बिल्कुल उन्हनि खे ही रचनाऊं बि जेके असांजा ही साहित्यकार पढ़ी रहिया आहिनि इहे बि उन्हनि खे ई समर्पित आहिनि, छोकी उन्हनि ई राह ॾेखारी आहे तॾहिं असां हिन ते हली था सघूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐं असां सिंधी साहित्य जगत जे ॻाल्हि कयूं त सिंधी साहित्य जगत जे आसमान में चमकंदड़ सितारो कृष्ण खटवाणी जी, उन्हनि जी ॻाल्हि कयूं ऐं इंदौर जी ॻाल्हि न कयूं, ईअं त थी न सघंदो। त मां असांजी इंदौर मां जेका असां सां गॾु हींअर वरिष्ठ कवित्री ग़ज़लकार असां सां गॾु आहे डॉक्टर नादिया मसंद, जेका पेशे सां त हिकु क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आहे, हिंदी उर्दू ऐं सिंधी में साॻी महारत रखंदी आहे। एॾी सुठी रचनाऊं उन्हनि जूं असांखे ॿुधण लाइ मिलियूं आहिनि कि वाकई असां पाण ते गर्व महसूसु कंदा आहियूं त छा उन्हनि जूं रचनाऊं आहिनि। उन्हनि खे जीअं मां ॿुधायमि, टे किताबूं उन्हनि जूं छपजूं आहिनि हिंदी सिंधी ऐं उर्दूअ में, ऐं हिकु हिंदी किताब सिंधी खां हिंदी में तर्जुमो बि कयो अथऊं डॉक्टर नादिया मसंद असां सां गॾु आहिनि। त उन्हनि खे मां सादर आमंत्रित कंदमि पंहिंजूं रचनाऊं पढ़ण लाइ ऐं खटवाणी साहब जे बारे में असां सभिनी साहित्य प्रेमियुनि खे ॼाण ॾियण लाइ असां सभिनी सां गॾु डॉक्टर नादिया मसंद अवां असां सां इंदौर मां। थैंक यू शोभा। हा, मां सिंधु संसार जी शुक्रगुज़ार आहियां कि उन्हनि ख़िराज तहसीन पेश करण लाइ ॿिनि ॼणनि खे अॼु यादि कयो आहे। मां उन्हनि जे लाइ अक़ीदत पेश कयां थी ऐं उन्हनि खे यादि कयां थी, मुंहिंजी श्रद्धांजलि उन्हनि जे लाइ आहे। ऐं हूअं त मां ॾाढा ई हर साल इंदौर में प्रोग्राम थींदो आहे कृष्ण खटवानी साहब जे लाइ, त हमेशह मां पेपर बि पढ़ियो आहे उन्हनि ते, त उहो हिकु मां हिकु अलॻि विधा आहे जंहिंसां इंसाफ कजे। हिते हिकु ॿिनि मिंटनि में मां हुन सां जस्टिफाई न करे सघंदसि, बसि हिकिड़ी यादि आहे जेका मां तव्हां सां वंडण चाहींदसि कि अॼु खां 25 साल पहिरें जॾहिं मुंहिंजी उर्दू जी किताब छपी हुई त उहा इस्लामिया करीमिया कॉलेज जे उर्दू डिपार्टमेंट जे तरफ़ों बशीर बद्र साहब जे हथों थी हुई, रस्म इजरा याने विमोचन कंहिंखे चइबो आहे। त उन में जॾहिं इनवाइट करण जी ॻाल्हि थी त मां ईअं सोचियो कि मां सभिनी में लिखंदी आहियां। हे फोटू बि तव्हां सां शेयर थियो आहे, बशीर भद्र साहब आहिनि, कृष्ण खटवानी आहिनि, त मां सिंधी राइटर खे बि इनवाइट कयो, हिंदी राइटर खे बि इनवाइट कयो ऐं उर्दू वारा त हुया ई, त उते ॾाढी मतिलबु उन्हनि तारीफ़ कई कि तूं टिनी भाषाउनि सां जस्टिफाई कयो ऐं सभिनी जो हिकु रिप्रेज़ेंटेटिव तूं स्टेज ते आंदो। त कृष्ण खटवानी बि ॾाढा ख़ुशि थिया हुया ऐं चयूं कि पोइ तूं हिंदी में लिख हाणे। त उन वक़्तु मां उर्दू ऐं हिंदी में लिखंदी हुयसि, सिंधी में घटि वधि लिखंदी हुयसि, पर उन्हनि खे ॾिसण खां पोइ, उन्हनि सां ॻाल्हाइण खां पोइ मूंखे लॻो कि हा, सिंधी में बि मुंहिंजो योगदान त हाणे 33% सभिनी में आहे, 10% इंग्लिश में आहे। त इहा मुंहिंजी हिकिड़ी यादि हुई जेका वाह, ॾाढी सुठी तव्हांजी यादि असां ताईं पहुती ऐं असांखे ॾाढो सुठो लॻो। उन्हनि जी यादि कई आहे जिते मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी, बसि नज़्म पेश कयां। जी बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु, स्वागत। नज़्म जो शीर्षक आहे हिकु शाम। हिकु शाम तूं शाम मूंसां गुज़ारे त ॾिस, तूं हिकु शाम मूंसां गुज़ारे त ॾिस,
पल कुछ जिंदगी जा मूसा घारे त दिस, पल बिल्कुल कुछ जिंदगी जा मूसा घारे त दिस, मां पंहिंजी बेनाम उदासी तोसा वंडिया, मां पंहिंजी बेनाम उदासी तोसा वंडिया, कुछ दर्द मुंहिंजा तोसा हंडिया, तूं शाम मूंसां गुज़ारे त ॾिस, तूं तूं पंहिंजा फट खनी ताज़ा कर, पंहिंजा फट खनी ताज़ा कर, मां पंहिंजी मुहबत सां तुंहिंजे ज़ख़्मनि ते प्यार जो मलम लॻायां, तूं मुंहिंजे ॾुखनि खे पंहिंजे अखे छॾ, तूं हिकु शाम मूंसां गुज़ारे त ॾिस, समुंड में केतिरो तनहा तनहा आहे, उभते चंड तारा अकेला आहिनि, गोड़ समुंड जी छोलिन जो हुजे शोर को बि न ॿियो हुजे, जिंदगी जा सभु दुख सूर असां वारी ते लिखी छोलिन सां वहाए छॾियो, कुझु घड़ी तूं मूंसां जीव, कुझु पल मां तोसां जीआं, तूं हिकु शाम सां गुज़ारे त ॾिस, मुंहिंजूं दुआऊं, इतफ़ाक़ सां हू मूंसां टकरायो, छुआव हुन जो मूंखे सुञातल लॻो, ख़ुशबू हुन जे जिस्म जी मुंहिंजी रूह खे हिरकायो, अच्छा नीर अॼु बि हुन जी अखियुनि में तरे पियो, नीर अॼु बि हुन जी अखियुनि में तरे पियो, उफ़ हू आलम हो ऐं मुंहिंजो ख़ामोश बि रहण, अचानक कुझु तारा टुटी झोल में मुंहिंजे अची किरिया, उहा शाम मूं ते गरी गुज़री, जिस्म खे ओलांगींदे हू रूह में मुंहिंजे समाइजी वियो, ओझल थी वियो अखिन अॻियां, तमन्ना जी इमारत ढही पई, बस कुझु गुल हुआ झायल, ख़्वाब सुम्ही पिया ख़्याल जागे, पियो गॾु हिन सां महीना साल जाॻिया, उमिरि मुंहिंजी हिकु उमिरि जो पीछो कयो, हाणे इहो आलम आहे, बेज़ुबान ॾींहं ऐं रातियूं ख़ामोशी में आहे हिकु इबादत, घुरां थी तोखे पाउनि में मुंहिंजूं दुआऊं तोखे प्यार कंदियूं आहिनि। तव्हांजी रचनाउनि खे ॿुधी त मूंखे बि इहे ॿ पंक्तियूं यादि अची वियूं कि केॾो मुश्किल मूंखां सवाल पुछे, मुंहिंजी मूंखां मुंहिंजो हाल पुछे, वाह वाह केॾो मुश्किल सवाल आहे न पंहिंजो हाल ॿुधाइण, ऐं वाकई हुन हाल खे हिन रचनाउनि में बंदि करणु या इहो हिकु कमाल आहे, ऐं इहो कमाल असां डॉक्टर नादिया ते ॾिठोसीं। ॾाढो ॾाढो शुक्रिया एॾी सुहिणी रचना लाइ, ॾाढो ॾाढो शुक्रिया, थैंक यू। हा, ऐं हाणे अॻिते वधूं था अॼु जी हिन शाम में, ऐं कृष्ण खटवाणी जंहिंजे बारे में अञा वधीक ॼाणण लाइ, हूअं त हिननि जी कुझु हिकु यादि मूंखे बि आहे, बसि मां उन खां पोइ तव्हां सभिनि सां विराईंदमि, ऐं पहिरीं असां खटवाणी साहिब जे बारे में अञा वधीक ॼाणंदासीं। असांजे भोपाल जे ई हिकु ॼातल सुञातल कवि ओम टहिलियाणी पखीजन खां, पखीजन
तव्हांजो घणो घणो स्वागत पखी साहब। तव्हांजी रचनाऊं त असां तव्हांजी रचनाऊं असां ॿुधियूं बि आहिनि, मंच ते बि ॿुधियूं आहिनि, ऐं हींअर कुझु गायक त तव्हांजी इन ग़ज़लनि खे पंहिंजो आवाज़ ॾेई रहिया आहिनि। इहा बि वॾे फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे, ऐं अव्हांजो असांखे इंतज़ार बि आहे कि अव्हांजो जल्द ई किताब असांखे मिलंदो, असांजे हथनि में हूंदो। ॾाढो असांखे सुठो लॻे थो, ऐं असां तव्हांखे चाहींदासीं कि तव्हां कृष्ण खटवाणी जी यादनि खे असां सभिनि सां विरायो बि ऐं पंहिंजियूं रचनाऊं बि पढ़ो। नमस्कार भाउ, तव्हांजो स्वागत। मां त आहियां पखी, पियो अचां ऐं वञां। मां त आहियां पखी, पियो अचां ऐं वञां। चूंड पिंजरा करण, चूंड पिंजरा करण, कार कुंभार जी। रूह महेश नैनवाणी साहब जी चऊं या कृष्ण खटवाणी साहब जी चऊं, अॼु कंहिं पिंजरे में आहे इहो चवणु ॾुखियो आहे, पर ॿिन्ही जी पर्सनैलिटी खे ॾिसी, ॿिन्ही जी पर्सनैलिटी खे ॾिसण खां पोइ इहो निश्चित चई सघिजे थो कि ख़ुदि परमपिता परमात्मा उन्हनि जे लाइ को पिंजरो न रखे, पाण सां ई उन्हनि खे पंहिंजे चरणनि में निवारियो हूंदो। त ॿिन्ही महान शाइरनि खे, ॿिन्ही महान साहित्यकारनि खे श्रद्धांजलि ॾींदे मां इन्हीअ शेर सां पंहिंजो कविता पाठ कयां। इन खां पहिरीं नंढड़ी सी ॼाण जेकी मूंखे आहे कृष्ण खटवाणी साहब जे बारे में। शालीन सोभर कृष्ण खटवाणी साहब हिकु ज़हीन शख़्सियत जा धनी हा। बिल्कुल इंदौर शहर में हींअर अॼु 11 अक्टूबर को इंसिडेंटली तव्हां इहो प्रोग्राम रखियो आहे त मूंखे शायदि जल्दी संभार पए थी। अॼु 11 अक्टूबर ते ई उन्हनि जो श्रद्धांजलि स्वरूप जो पुण्यतिथि आहे। जी जी, पुण्यतिथि आहे अॼु उन्हनि जी। त उन्हनि जी वधीक मां वधीक जेकी कहाणियूं ख़ासि करे आहिनि बेंगाली, उन्हनि जी तव्हां ॾिसंदव जेको जीअं सुनीता भेण सुनीता लूला ॿुधायो कि उन जेके विरहांगे खां पहिरीं अची करे शांति निकेतन में, विनोबा भावे जिन जे शांति निकेतन में उन्हनि पंहिंजो पाण खे पढ़ाई पूरी कई, इन सां उन्हनि जो साहित्य जे प्रति लाड़ो तव्हां सम्झी सघो था। वरी वापसि वञण खां पोइ, विरहांगे खां पोइ अची करे जेको आहे इंडिया में वरी सेटल थिया, उहे ई सभु दुख सही आया जेके सभिनी सिंधियुनि सां थिया। पर माली नमूने मतिलबु कंहिंखे चइजे कि हिकिड़ो बिज़नेसमैन कॾहिं बि हुननि इहा शइ अचण न ॾिनी कंहिंजे बि हुन ते कि बिज़नेसमैन माण्हू पंहिंजे बिज़नेस खे छॾे ऐं पूरी तरह सां मुकमल तौर सां साहित्य सां जुड़ियल हुजे। चाहे सेमिनार ॾिसो हुननि जा, चाहे हिते जेके आयोजित थींदा साहित्य अकादमी जे तरफ़ां, एतिरी ज़हीन शख़्सियत की जिते वेंदा सेकेंड क्लास जे स्लीपर क्लास जे दॿे में सभिनी सां गॾु वेंदा हुआ। एतिरा वॾे हुजण उहिदे ते, एतिरे वॾे हुननि खां पोइ बि पंहिंजो पाण खे डाउन टू अर्थ रखंदा हुआ। उन्हनि जे बारे में छा चइजे, जेतिरो चइजे घटि आहे। मां त सिंधु जे मंच ते उहे आया आहिनि, उन खां पोइ जेकी स्थितियूं ठहियूं आहिनि हिते ॾिठियूं आहिनि, ऐं महेश नैनवाणी साहब जे बारे में बि अलाह छा चइजे। उन्हनि जूं ख़ासि करे ॿ गज़ल्स, ॿ जेके रचनाऊं आहिनि उहे त वर्ल्ड फेमस आहिनि। हिकिड़ो जेको उन्हनि खे पुरस्कार मिलियो जंहिं ते पर्यावरण जे मथां उन्हनि लिखी, जेको शींहं जेको आहे उन जे पुठियां भॼंदो पियो अचे, उनजो मर्म आहे किशी माण्हूअ जे पुठियां डुकंदो पियो अचे, ऐं आख़िर में उनखे छटीअ जे लाइ इंतज़ार करणो पियो, मूंखे तुंहिंजी जान न खपे, तुंहिंजी छटी खपे। वण कटण जे पुठियां वण कटिजी विया, जंगल कटिजी विया, नैनवाणी साहब अहिड़ा नैनवाणी साहब जंहिं लिखियो कि भाई असां एॾियूं आज़ादीअ जूं लड़ायूं लड़ियूंसीं, ऐं उन खां पोइ बि जेको आहे असांखे विरहांगो मिलियो त असां आज़ादी, असां लड़ाई छो लड़ीसीं आज़ादीअ जी। त अहिड़नि ॿिनि महान शख़्सियतुनि खे अॼु तव्हां यादि कयो आहे। निश्चित रूप सां अखंड सिंधु संसार ज्ञान चंद लालवाणी साहब जी सोच खे सलाम आहे कि अहिड़नि शख़्सियतुनि खे यादि कंदा था रहूं। त वरी मां पंहिंजे शेर सां उन्हनि खे श्रद्धांजलि ॾींदे पंहिंजो कविता पाठ प्रारंभ थो कयां। मां त आहियां पखी, मां त आहियां पखी, पियो अचां ऐं वञां। चूंड पिंजरा करण, कार कुंभार जी। कुझु शेर आहिनि, सयाद पखी इहो बि न ॾिठो दर्द ॾिसजो, सयाद पखी इहो बि न ॾिठो छो पिंजरो हिते सभ जो चिबो आहे,
सयाद पखी इो भी न डिठो छो पिंजरो हिते सब जो चिबो आ घर भेदी जमाने का बचण लाए मुझे ही कबीले में लिखो आ दाहप में चवन था हू सिधो आ दाहप में चवन था हू सिधो आ ताजुब आ इलाही सो फिदो आ ताजुब आ इलाही सो फिदो आ हिंसर तुम याद कर कुछ गजलन के आवाज मिल तो कुछ शेर उन्हें माप परसिन अथाणी भाऊ साहब हिंसर ताजो एक सीडी रिलीज किया उन्हें मुझे गजल शामिल आ उन्हें जब बोला है तरंगम के परसे तरंगम दा सीडी में परसे भाऊ जी पूछ जो उन्हें बोला है सुठो आहे सफर गडजी हली दिस जा मजो इंदे बिल्कुल सुठो आहे सफर गडजी हली दिस जा मजो इंदे रखे सिर कंध ते मुंजे सुमी दिस जा मजो इंदे आहा आहा छा गाला सुठो आहे सफर गडजी हली दिस जा मजो इंदे रखे सिर कंध ते मुंजे सुमी दिस जा मजो इंदे छिके सिक थी बिनिन के बस इहो काफी जीण लया छिके सिक थी बिनिन के बस इहो काफी जीण लया हड़े दिल में लिकल गालियों कढ़ी दिस जा मजो इंदे रही थी रोज गोला में खुशी मुंजी लाए केदो तू मुंजी वाइफ जे वाइफ के दोस्तन के सी मा यो शेर लिखो रही थी रोज गोला में खुशी मुंजी लाए केदो तू कदे मुंजे बे यारन सा मिली दिस जा मजो इंदे जीण तोखे न इंदो घर ते जीरो मां भी की रहंदस बिल्कुल जीण तोखे न इंदो घर ते जीरो मां भी की रहंदस करे तू रांद बारन जा पखी दिस जा मजो इंदे करे तू रांद बारन जा पखी दिस जा मजो इंदे याद इंदे ही बस हली अचजे याद इंदे ही बस हली अचजे दिल न भरजे वरी वरी अचजे जी जी याद इंदे ही बस हली अचजे दिल न भरजे वरी वरी अचजे हाल बीमार जो था रोज पुछो का दवा भी कदे खणी अचजे हाल बीमार जो था रोज पुछो का दवा भी कदे खणी अचजे खाली पैमाना भरजी वेंदा वरी मैं कदे मान बुत बणी अचजे खाली पैमाना भरजी वेंदा वरी मैं कदे मान बुत बणी अचजे हाय हाय कातिल अदा ऐ बाहे अखियूं हाय कातिल अदा ऐ बाहे अखियूं दिल करे थी बरी ठरी अचजे दिल भजे वरी वरी अचजे याद इंदे ही बस हली अचजे थोरो सो यार थकल आइन थोरो सो यार थकल आइन समझी तो छा था अबल आइन इन्हें के बकायदा छंद के रूप में पान बुधाऊं उन्हें का पहले ही बशेर है दिल जी धड़कन जे बुधी हाँ जी दिल जी धड़कन जे बुधी हाँ रूह सा गंडजी वनी हाँ दिल जी धड़कन जे बुधी हाँ रूह सा गंडजी वनी हाँ मुंजी मैकश अख में आ तू मुंजी मैकश अख में आ तू ख्वाब जेकर तू हुजी हाँ मुंजी मैकश अख में आ तू ख्वाब जेकर तू हुजी हाँ दाद देण ते झल लगल आ याने ऑनलाइन ऑनलाइन आए मुशायरो भाई ताने दाद तो वठी ना सको शोभा दी वेडी दाद विच विच मेहरबानी शेरा दाद देण ते झल लगल आ दीद मां समझी वनिया दाद देण ते झल लगल आ दीद मां समझी वनी हां हा पखी नादान हो हा जी पखी नादान हो पर तू तो नादानी छदी हां तू तो नादानी छदी हां दिल जी धड़कन जे बुधी हां रूह तू बणजी वनी हां त हाणे छंद एको छंद जो आनंद वठूं आखरी में जी थोरो सो यार थकल आइन समझी तो छा त अबल आइन थोरो सो यार थकल आहिन समझी तो छा त अबल आहिन सणभी मानी जे टुकरन सा सणभी मानी जे टुकरन सा सबनी जा बूथ बदला आहिन
सुणबी मानी जे टुकरन सा सबनी जा बूथ बदला आइन पी माओ बे बोझ लगन जिन तिन पी माओ बे बोझ लगन जिन तिन बारन जा कंद भगल आइन दिल जहन समूरो माजी में दिल जहन समूरो माजी में केदा मजबूर बदल आइन केदा मजबूर बदल आइन थी हलंदे तेज हवा किरंदा थी हलंदे तेज हवा किरंदा वणते सब अंब पकल आइन वणते सब अंब पकल आइन शादी का अग में ठाया सी शादी का अग में ठाया सी केदा व्या ताज महल आइन केदा व्या ताज महल आइन मुहमा सच निकरी वयो मुंजे मुहमा सच निकरी वयो मुंजे मुकिन जा हेठ लथल आइन मुकिन जा हेठ लथल आइन के खीर दियन के खून पियन के खीर दियन के खून पियन इंसानन में भी नसल आयन इंसानन में भी नसल आयन ककरन सा ठहल हवा उनके ककरन सा ठहल हवा उनके रोकींदा तूल जबल आयन रोकींदा तूल जबल आयन विड़ंदे विहंदे उथंदे रख याद पखी विहंदे उथंदे रख याद पखी गोड़ा पंहिंजा त सुखल आयन गोड़ा पंहिंजा त सुखल आयन वाकई पखी साहब जी गज़लन में त छा उदाम हुई उन्हनि सां गॾु असां बि उॾी हलियासीं घणो घणो शुक्रिया पखी साहब जो जी हाणे असां अॼु जी हीअ शाम सदा हयात कृष्ण खटवाणी जी ऐं महेश निर्माणी जी खे समर्पित कई आहे उन्हनि जे बारे में हिकु ॼाण तव्हांखे ज़रूरु ॾियणु चाहींदसि 2 दिसंबर छो की इहे जानकारी असां बि कठियूं कयूंसीं की ॾिसूं उन्हनि जे बारे में छा असांखे ख़बर थी पए त इहा हिकु असांखे संस्मरण मिलियो उन्हनि जो की 2 खां 7 दिसंबर 1984 जी इहा ॻाल्हि आहे हिकु वर्कशॉप मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी पारां सांची में रखियो वियो हो सिंधी कविता ऐं कहाणी जो उन में जेके शामिल हुआ उन में असांजा सदा हयात कृष्ण खटवाणी जी भी गॾु हुआ कृष्ण खटवाणी जी मास्टर जे रूप में हुआ उन्हनि सां गॾु अर्जुन हासिद साहब फानी साहब भोपाल मां ऐं प्रोफेसर हरीश वासवाणी जी उहे सभु उते मास्टर हुआ ऐं उन में शागिर्द जे रूप में ऐं ॿियनि साहित्यकारनि सां गॾु नारी लछवाणी जी ऐं हिकु महेश नैनवाणी जी बि हुआ त अॼु असां जेका हीअ शाम हिकु जंहिंजे नाले ते रखी आहे उन्हनि में सोचो की हुननि जा मास्तर ऐं शिष्य ॿई गॾु आहिनि उन्हनि ॿिन्ही खे असां यादि था कयूं मास्तर कृष्ण खटवाणी जी ऐं शागिर्द महेश नैणवाणी जी ऐं चव ऐं उन्हनि पंहिंजी यादि इहा वराईंदे असांखे ॿुधायो त महेश नैणवाणी जन जॾहिं हिन वर्कशॉप में गॾु हुआ त उन्हनि जी हीअ रचना जेका हुई असीं छो लड़ियासीं है न असीं छो लड़ियासीं छा कॾहिं इतिहास में ईअं थियो आहे की असीं खटियासीं ऐं असांखे विरहाङो मिलियो त असीं छो लड़ियासीं बाक़ी इन्हनि जी हीअ अमर रचना आहे इन रचना खे प्रोफेसर वासवाणी हरीश वासवाणी जन पाण सां गॾु खणी विया ऐं कूंज पत्रिका में उन्हनि पंहिंजी रिकमेंडेशन सां महेश नैणवाणी जी हीअ रचना शाया कराई हुई कि वाकई उन जी जेको वर्कशॉप में हिकु शागिर्द हो उन जी रचना ते मोहित हिकु मास्तर थिए त वाकई उन जी केॾी उॾाम जी बुलंदी हूंदी इहा असां सभिनी खे यादि रखण वारी ॻाल्हि आहे ऐं सभिनि सां विरहाइण वारी ॻाल्हि बि आहे त असां इन ॿिन्हिनि शख़्सियतुनि खे यादि कंदे हींअर उन्हनि जी यादुनि खे अञा अॻिते वधाईंदे मां आमंत्रित करणु चाहींदसि असांजे भोपाल जे ई भाउ अशोक मनवाणी जन खे जेके हिते भोपाल में जनसंपर्क में उपनिदेशक बि आहिनि ऐं रंगमंच कलाकार बि आहिनि नाटककार बि आहिनि नाटक लेख लिखंदा बि आहिनि कहाणीकार आहिनि लघु कथा में हिननि जी महारत हासिल आहे ऐं घणेई किताबूं उन जूं शाया थी आहिनि ऐं पत्रकारिता में असांजी हितां जूं जेके बि ख़बरियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि सां रूबरू कराईंदे असांखे हमेशह रहंदा आहिनि असांजा भाउ अशोक मनवाणी जी भोपाल मां उन्हनि जो दिलि सां स्वागत कंदे मां चाहींदसि त हू असांखे असांजे हिन साहित्यकारनि जूं यादूं ताज़ा करे पंहिंजूं रचनाऊं बि पेश कनि भाउ अशोक मनवाणी जी
महेश भैया सा ही गाल शुरू कंदुस हुआ त खटवाणी दादा जो भी साहित्य पढ़ो है रूबरू उन गजंदा हुआ से पर रुगो महेश भैया के बारे में ही गालुस बिल्कुल बिल्कुल जी मुखा 10-11 साल वा हुआ जैसे मैं भोपाल आयुस 1989 में तदें एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में ही महेश भाऊ के घर मुलाकात थी असाजे दोस्त परमानंद बलवाणी ज्ञानचंद लालवाणी उनो परिचय करायो हो मुझे ख्याल में महेश जे पूरे क्रिएशन जा ब पार्ट आहन एकड़ो त लिटरेरी बियो नॉन लिटरेरी लिटरेरी जी गाल कजे त असा सबनी के खबर है माए मां मधु मधु भाभी जो नालो है मिसेस नैनवानी चंड मुझो पाछो आहे नीलकंठ जी 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 डाकणू इंडलठ सा खेडा श्री हरि जी सरफेस ऑफ द सी एकड़ी पर्यावरण बार बार पर्यावरण बार बाल साहित्य में भी उन्होंने योगदान हुयो बिल्कुल स्वेट रूबीज नाले से किताब जो उन्होंने इन्वेंशन कियो साइंटिस्ट हुआ कलर्ड शतरंज रंगीन शतरंज जेके चार मानू गजी करे खेली सकंदा गडू खेली सकंदा कलर्ड कलर्ड शतरंज ए मुखे सजो करेस्पोंडेंस देखारियो जो पेटेंट बोर्ड आ बॉम्बे में उते जो उन्होंने पत्राचार कयो ए पेटेंट बोर्ड उन्हें जी रिसर्च के मान्यता दिनी ए बियो एकड़ो मकई शेलर उन्हें उन्हें जी खोज कई ही जेके हो पाण एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी होया ता जडे गोठन में है भुट्टा मक्के जी फसल अचे थी ता उन्हें के वो फायदो किसानन के वो वधिक किया मिले छो जो उन्हें जा वो दाणा कढ़ण में कोई अड़ो वसलो कोई अड़ो उपकरण को हो जो हो उपकरण के मॉडिफाई किया महेश भैया तब मकई शेलर नाले से उन्होंने इन्वेंशन किया नंढी जी लोह की या स्टील की गिलासड़ी उनमें अंदर उन्होंने वो रिपेट जो रिपेट थी उनमें वो टे चार पत्तियों लगे कर जी भुट्टो उनमें वही कर गोल घुमाय छे तो एक मिनट में सजे भुट्टे जहा दाणा जो बाहर अची वा गिलासड़ी में मतलब वो जो उन्होंने आविष्कार किया अज का करीब अटकल 15 साल थे हूँ पेटेंट बोर्ड मान्यता दिनी उनके तो वो मॉडिफाई उन्होंने किया उनको नो एडिशन कढ़ो एग्रीकल्चर की फील्ड में रिसर्च में उनके मान्यता मिली यो महेश भाऊ जो एकड़ो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन हो सोयाबीन की फसल जेका है एकड़ी वैकल्पिक फसल आ जेका दिसो तहां ही कलर्ड शतरंज जो फोटो तहां शेयर कियो आ बिल्कुल सोयाबीन ते उनन एकड़ो किताब लिखी हो छो जो मानू ही रबी खरीफ में जेके कणक या चणा हते धान चावर ये फसलों खणंदा हुआ सोयाबीन की क्रांति जेका थी आ गुजरियल 20-25 साल की क्रांति आ मध्य प्रदेश पूरे इंडिया में सभी का वधिक हते सोयाबीन की पैदावार आ तो इन जे खेती खेती किसानी में किया उन सा फायदो वधिक कमाएजे कड़े टेक्निक सा वह फसल पैदा कजे उन जे बाबत उन सुठी रिसर्च कई हुई वो किताब भी मुख्य दिखारे हुआ एक दफो अस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के वही करे वो भेंट कयो से किताब छो जो किसानन जी गालियों कंदा हमेशा त महेश भाऊ के लगो त छो ना इने जो फायदो वटजे जी मां महेश भाऊ भाऊ जी गाल कंदो आया त भावुक थी वेंदो आया छो जो जदे भी वेंदो मान त 2-3 कलाक त लगंदा ही होया अध कलाक कलाक जी मीटिंग कोन थींदी मुझी हमेशा उनन सा मीटिंग जगे मीटिंग्स थियुन 2-3 कलाक थियुन ए लेटेस्ट जेका हाने कोविड खां पो मुझी मुलाकात न थी छो जो सब पेंजे घरन में गैद थी व्यासे पर फरवरी 2020 में लास्ट मुझी मीटिंग उनन सा उनन जे घर थी ए उते देखारे हूं भई मां पपीते जो वण लगायो वा ओ मां पटे भी आयो मान छो जो मां उनन वट जेके ये शयूं होंदी खणी इंदो मान खसे इंदो मान त एकड़ो हको होयो मुजो वडे भाव जे घर पहुंतो आया मां ये मखे लगंदो ए चवंदम भाभी मां त रोटी खाई वेंदम त जेको घर में तैयार आहे वो अस खाई वे गजी कर एक थाली में ढो उन स्नेह दिनों एक नंढे भाव के जो स्नेह मिलन खपे महेश भैया का मुख्य पूरा स्नेह मिलो उन देवनागरी की एक कविता पढ़ंदुस उनके श्रद्धांजलि दींदुस महेश भाऊ की कविता में बुधा रो आया या है इन जो सिरो है फल फल अंबन के वण ते जडे बूर महकंदो है अंबन के वण ते जडे बूर महकंदो आहे त टारियुन पनन के केडी खुशी थिंदी हुंदी अंबन के वण ते जडे बूर महकंदो आहे त टारियुन पनन के केडी खुशी थिंदी हुंदी
अंब जॾहिं ॿिया टोड़े वेंदा हूंदा, अंब जॾहिं ॿिया टोड़े वेंदा हूंदा त पाड़ू केतिरियूं दुखी थींदियूं आहिनि। अंब जॾहिं ॿिया तोड़े वेंदा हूंदा त पाड़ू केतिरियूं दुखी थींदियूं आहिनि। ॿी हिकु महेश भाऊ हिकु पोयम लिखी हुई जंहिंमें बेहनि जो ज़िक्र आहे ऐं महेश भाऊ खे बेह वणंदा बि हुआ। उन्हनि इहो लिखियो हुन पोयम जो सार थो ॿुधायां भाऊ, मूंखे पोयम उन्हनि जी यादि त कोन्हे। त विरहाङे खां पोइ आज़ादी खां पोइ मां 7-8 साल पोइ ॼायोसि। उन्हनि जो जनम महेश भाऊ जो 1 अक्टूबर 1954 आहे, त 7-8 साल थी विया मुल्क जी विरहाङे खे। त उन्हनि लिखियो भई अॼु बि मुंहिंजो मन थींदो आहे त सिंध में मां पैदा थिया हा, उतां जा बिह खावा हा, उन्हनि में जेका मिटी लॻल हूंदी आहे उन मिटीअ जे लाइ एतिरो इमोशनल हा महेश भैया, उन सिंध जी पंहिंजी धरतीअ खे मातृभूमि खे यादि कंदा हा। त अॼु मुंहिंजो वस हले त उहा बिहनि जी मिटी मां खणी अचां ऐं उन जे बदिरां ओतिरी तौर मोती ॾेई छॾियां, मां हिन सोन ॾेई छॾियां, मोती ॾेई छॾियां। अहिड़ो मुंहिंजो बस हले त सिंध सिंध में मां ओतिरा मोती मोकिले छॾियां। उहा मिटी मिटी अगरि मूंखे मिली वञे, काश उहा मूंखे मिटी मिली वञे मातृभूमि जी। त उन्हनि जो मातृभूमि लाइ असीं छो लड़ियासीं, त सिंधी पोएट्री में हिकिड़ो मोड़ आंदो ऐं हिकिड़ो उहो अध्याय हो, टर्निंग पॉइंट हो, ऐं सिंधी पोएट्री उन पोयम खां पोइ आबाद थींदी वई। हाणे मां हिकु ॿी जेका आहे गिरावट नाले सां महेश भाऊ जी मुंहिंजे हथु अची वई आहे पोयम, त उहा बि ॿुधाइणु चाहींदुसि ऐं पोइ पंहिंजी ॻाल्हि पूरी कंदुसि मां। गिरावट हिन जो टाइटल आहे। कुझ ॿारनि रेल जी पटरीअ ते सिका रखिया, कुझ ॿारनि रेल जी पटरीअ ते सिका रखिया, रेल आई ऐं उन जा फीता सिकनि तां गुज़री विया। रेल आई ऐं उन जा फीता सिकनि तां गुज़री विया। सिका वॾा थी विया पर खोटा थी विया। सिका वॾा थी विया पर खोटा थी विया। तेजीअ सां हिन वक़्त जा फीता, तेजीअ सां हिन वक़्त जा फीता नोटनि तां गुज़रनि था। ॾिसो न, इहे जी कल्पना, उहो पंहिंजे वक़्त खां अॻिते जा कवि हुआ, तॾहिं नोटबंदी बि कोन थी हुई, उहे पंहिंजे वक़्त खां अॻिते जा कवि हुया। महेश भाऊ लिखनि था, तेजीअ सां हिन वक़्त जा फीता नोटनि तां गुज़रनि था। नोट वॾा थी रहिया आहिनि, नोट वॾा थी रहिया आहिनि पर जरो जरो थी, पर जरो जरो थी खोटा थी रहिया आहिनि। नोट खोटा थी रहिया आहिनि। त इहे महेश भाऊ जी कल्पना हुई, महेश भाऊ जी कल्पना हुई। ऐं साहित्य में अहिड़ो समर्पित शख़्स असां भोपाल में त कोन ॾिठो आहे। जबरदस्त क़िस्म जा लिखाड़, जेके हिंदीअ में चइबो आहे लिखाड़, उन्हनि जा 8-10 रजिस्टर आहिनि, 100-200 पेजनि जा, जेके उन्हनि जो अप्रकाशित साहित्य आहे, उहो अचणु खपे। चाहे सिंधी अकेडमी उनखे पब्लिश कराए, असां दोस्त गॾिजी पब्लिश करायूं। असां बंसी खूबचंदाणी भाऊ बि आहिनि कोन दुनिया में, जॾहिं भोपाल में हुया बैंक ऑफ इंडिया में 7-8 साल, त अदबी बैठक शुरू कईसीं, मंथली मीटिंग हिकिड़ी, लिटरेरी मीटिंग। त विमी जी, तव्हांखे मां इहा ॻाल्हि ॿुधाइणु चाहींदुसि त भोपाल में कंहिं वक़्त में सिंधी ॿोली साहित्य सभा जॾहिं हिते यूनिट बर्बाद थी हुई, जम्मू छुगाणी साहिब बि हुया हुन वक़्तु काफ़ी एक्टिव, तॾहिं अदबी गोष्ठी थींदी हुई, जंहिंखे अदबी क्लास चवंदा आहियूं। ऐं असांखे जॾहिं वर्कशॉप थिया सतीश रोहड़ा साहब, लक्ष्मी खिलाणी साहब, इहो असांखे वर इहा ॻाल्हि चवंदा हुआ त तव्हां भोपाल में इहा मंथली मीटिंग कयो या फोर्टनाइटली बेसिस ते कयो, 3 महीने कयो, पर थियणु खपे, छो जो उन में रचनाउनि जी छंड छाण थिए थी त पोइ माण्हू अॻिते वधे थो, क्रिएशन उनजो वधे थो। न त माण्हू उते ई बीठो आहे त साल खां ख़बर पई कंहिं राइटर्स 1 साल ताईं कुझु लिखियो ई न आहे। त इहा ॻाल्हि जॾहिं महेश भाऊ खे ख़बर पई त हुननि इहा पंहिंजी तरफ़ां ऑफर कयो, नेनवाणी भाऊ त मुंहिंजे घर तव्हां हर महीने करे सघो था। रुगो साल में हिकु भेरो ईअं त नंबर ईंदो, असां 12 ॼणा आहियूं। त नारी भाऊ चयो त महेश जो घर सभिनी खां ॿिए पासे आहे, भोपाल जे अहिड़े डायरेक्शन में आहे, पर उते जिते क्वार्टर हुयो महेश भाऊ जो, कुदरती माहौल हो, सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में बेरसिया रोड ते, त उते अंब अंबड़ियूं सभी असां खाईंदा हुआसीं हमेशा, ऐं ॾाढो महेश भाऊ ख़ुशि थींदा हुआ खाराए पीआरे करे, ऐं एतिरा तामक करे छॾींदी हुई भाभी। 2 गोष्ठियूं उते थियूं महेश भाऊ जे घर, पर उते असांखे खेमन मुराणी साहब जो बि, उन्हनि जी बि मौजूदगी मिली। महेश सां कंहिंजो बि को मतभेद कोन हो, उन्हनि खे सम्मानित, इहो ॾिसी करे असां बि पाण खे गौरवान्वित महसूस था कयूं, सभु ख़ुशि थिया। गौरव सम्मान मिलियो, जी जी हा, महेश भाऊ खे आराम मिलियो, सभु ख़ुशि थिया।
जी भाउ जेका तव्हां ॻाल्हि कई न उन्हनि जी सिंधियत जी एॾी उन्हनि जो लाॻापो हो त वाकई उन जी इहा यादि अची वई मूंखे कि या ख़ुदा तूं मूंखे इंसान पैदा न करी हा, इंसान पैदा कयो त हिंदू पैदा न करी हा, हिंदू जे पैदा कयो त सिंधी में बणाई हा ऐं सिंधी बणायो त सिंध में पैदा न करी हा, छोकी ही विरहाङो मूंखे सहणो न पए हा। वाकई महेश नैणवाणी जी इहा सिंधियत सां एतिरो लाॻापो उन्हनि खे वाकई यादि कंदे असां पाण खे गौरवान्वित महसूस था कयूं कि अॼु जी हीअ शाम उन्हनि जे असां नाम था कयूं, ॾाढो असां पाण ते गर्वित महसूस था कयूं। ऐं हींअर मां पंहिंजी रचनाऊं पढ़ण लाइ सादर आमंत्रित कंदसि ऐं महेश नैणवाणी जी जीवन ते कुझु नज़र विझण लाइ, उन्हनि जी कुझु झांकियूं ॾेखारण लाइ असां सां गॾु आहिनि आदिपुर कच्छ मां विमी सदारंगाणी जी, डॉक्टर विमी सदारंगाणी, हिकु ॼातल सुञातल लेखिका जेका अॼु मां इन्हनि जे बारे में उनजो परिचय पढ़ियो त वाकई एॾो गर्व पियो महसूस थिए कि अहिड़ी सुहिणी लेखिका असांजे सिंधी साहित्य में आहे, जेका आदिपुर कच्छ में सहायक प्राध्यापक जे रूप में सिखिया पई ॾे ऐं उन्हनि जी PhD बि कयूं हिंदी में, बि शायदि MA कयो अथनि सिंधी में ऐं सिंधी में PhD बि अथनि डॉक्टर विमी सदारंगाणी सां। त उन्हनि खे मुखड़ियूं जेको 1996 में मुखड़ियूं ते गुजरात अकादमी पारां अव्हांखे सम्मान बि मिलियो ऐं 2001 में नौजवान सिंधी लेखक नारायण श्याम अवार्ड सां बि सम्मानित कयो वियो ऐं उन्हनि जा सम्माननि जी वॾी लिस्ट पढ़ी करे ॾाढो आनंद पियो लॻे ऐं गर्व बि पियो थिए कि हिकु सिंधी महिला लेखिका अहिड़ी अॼु असांजे विच में आहे ऐं अॼु हुन सां रूबरू थियण जो ई जेको मौक़ो मिलियो आहे। इन्हनि में चाहींदसि कि अञा वधीक असांखे ॿुधाइनि बि ऐं सादर आमंत्रित करणु चाहींदसि मां आदिपुर कच्छ मां जेके असां सां गॾु हींअर जुड़िया आहिनि डॉक्टर विमी सदारंगाणी जी। नमस्ते, महिरबानी शोभा जी। अखंड सिंधु संसार खे मां वाधायूं ॾियणु चाहींदसि श्री लालवाणी जी खे। हुननि हीअ कार्यक्रमनि जी हीअ जेका श्रृंखला सीरीज शुरू कई आहे ऐं अॼु हिन सीरीज में सदा हयात दादा कृष्ण खटवाणी जी ऐं महेश नैणवाणी जी खे असीं यादि करे रहिया आहियूं। मां हिते जेके हिन कार्यक्रम में शामिल सभई शाइर आहिनि उन्हनि जो बि स्वागत बि कयां थी। ॿुधी करे बेहद ख़ुशी थी उन्हनि खे ऐं ॾिठमि त कार्यक्रम खे जेके माणे रहिया आहिनि उन में पाठक बि आहिनि, अदीब बि आहिनि, भाउ भॻवान बाबाणी जी, भाउ नंद कुमार सनमुखाणी जी, दिलीप लालवाणी जी, हर्षा, ऐं ॾिठमि त सिंध मां बि कुझु कमेंट्स आहिनि। त ही ऑनलाइन जेके कार्यक्रम आहिनि उहे असांखे कहिड़े नमूने सां न रुगो भारत में जुदा जुदा शहरनि में पर सिंध ऐं दुनिया जे ॿियनि सिंधियुनि सां असांखे जोड़े रहिया आहिनि। त पंहिंजो पाण में इहा हिकिड़ी वॾी हासिलात आहे ऑनलाइन कार्यक्रम जी। भाउ महेश नैणवाणी जेके आहिनि उन्हनि जे बारे में हींअर अशोक मनवाणी जीअ बेहद तफ़सील सां ॼाण बि ॾिनी ऐं कुझु उन्हनि सां घारियल खे उन्हनि जा पल्लव उहे बि उन्हनि शेयर कया हुआ। इन करे मां हाणे खटवाणी दादा बाबति थोरो ॻाल्हायां, इहो मूंखे लॻे थो त वधीक बहितर थींदो। जी, हक़ीक़त में त हूअ ही पोइट्स मीट हो ऐं असांखे कविताऊं पढ़ण लाइ चयो वियो हो, पर छो जो हीअं ओचितो चयो वियो आहे त हाणे असां इन्हनि राइटर्स ते ॻाल्हायूं त मां नथी सम्झां त को वधीक तयारीअ सां जेको ॻाल्हाइण थींदो आहे उहा हिकिड़ी अलॻि ॻाल्हि थींदी आहे। पर इन जे बावजूद जिन खे असां पढ़ूं था, जिन सां असां वक़्तु गुज़ारियो आहे, उहे असां सां गॾु हमेशह आहिनि। इन करे उन्हनि जे बारे में ॻाल्हाइण वरी उन्हनि सां गुज़ारियल जेको दौर आहे ॼण उन में पहुची वञण जहिड़ो आहे। त खटवाणी दादा हिकिड़ा अहिड़ा लेखक, हिकिड़ा इंसान जंहिंजे बारे में मां सम्झां थी त केर बि शायदि अहिड़ो शख्स न हूंदो जेको शामिल न हुजे, त हू न सिर्फ़ हिकु बहितरीन लेखक हुआ बल्कि साहित्य, संगीत, कला ऐं प्रकृति जे वेझो जीअण वारा हिकिड़ा संवेदनशील शख्स बि हुआ। हुननि जी रचनाउनि में शख्स हुजे
चाहे सिंधी शख्स हुजे चाहे समाज हुजे वो माठी ने पर तमाम असरायते नमूने नजर अचे तो संदन किताब त घणी आहिन जिया हिते पहिरीं बि सुनीता दीदी उन्हनि जो परिचय ॾिनो हो उन्हनि जी रचनाउनि बाबति पर मुंहिंजा जेके प्रिय किताब आहिनि संदन रचनाउनि मां उहे सत ॾींहं आशियानो हिकु डिघी सांत तरंदड़ बादल इहे मुंहिंजा संदन पसंदीदा किताब आहिनि। खटवाणी दादा सां जॾहिं गॾिजण जो मौको मिलियो हो उन वक़्तु हक़ीक़त में मां अञा ॿार ई हुअसि छो जो कॉलेज में पढ़ंदी हुअसि ऐं दादा सां दादा खे पढ़ण उन्हनि सां रूबरू मिलण किन साहित्यिक कार्यक्रमनि में उन्हनि सां गॾु शामिल थियनि ऐं न रुगो एतिरो बल्कि उन्हनि जे घर उन्हनि जी बैठक में उन्हनि जी जेका लाइब्रेरी आहे उन में पेर पाइण मां सम्झा थी शायदि असां सभई किथे न किथे तमामु घणा लकी आहियूं इन मामले में त सभिनी अदीबनि खे कंहिं न कंहिं नमूने खटवाणी दादा सां जुड़ण जो मौक़ो मिलियो या ईअं चऊं त खटवाणी दादा सभिनी खे ॼण ॾाढी पंहिंजाइप सां पंहिंजे वेझो आंदो हो त मूंखे बेहद ख़ुशी थींदी हुई जॾहिं उन्हनि जे घर में स्टडी में वञण जो मौक़ो मिलंदो हो ऐं मूंखे यादि अचे थो त पहिरियों भेरो मूं उन्हनि जे घर ई एतिरियूं सुठियूं पेंटिंग्स म्यूज़िक ड्रामा शेक्सपियर हुजे चाहे दुनिया जो सॼो अदब हुजे चाहे सिंध जो अदब हुजे उहो भरपूर खज़ानो मूं उन्हनि जे घर ॾिठो हो ऐं मुंहिंजी नज़र वञी करे अटकी हुई सिंध जे हिकिड़े मैप ते जेको उन्हनि जे स्टडी में हिकिड़े शेल्फ ते रखियल हो शीशे में उहो ठहियल हो जीअं अॼुकल्ह भॻवाननि जा फोटा ईंदा आहिनि न अॻियां शीशो मढ़ियल ऐं पुठियां फोटो हूंदो आहे भॻवान जो ओड़े नमूने जो सिंध जो नक्शो उहो रखियल हो ऐं दादा जी दादा समझी विया त हीअ हिन नक्शे खे ॾिसी रही आहे ऐं दादा मूंखे उहो ईंदे महिल कुझु किताबनि सां गॾु उहो नक्शो बि मूंखे ॾिनो हो ऐं मुंहिंजी ईअं चवां त मुंहिंजी ख़ुशीअ जो कोई पार ई न हो ॼण ओॾी महिल त इन करे दादा खे पढ़ण उन्हनि सां मिलण उन्हनि सां ॻाल्हाइण उन्हनि खे ॿुधण ऐं उन्हनि जो साथ माणण मुंहिंजे जीवन जो हिकु अहम ऐं तमामु प्यारो हिसो आहे उनखे रुगो माणी सघिजे थो उन्हनि खे ईअं यादि करे सघिजे थो पर उन्हनि जूं हिकिड़ियूं सिटूं नंढड़ियूं हिते मां दोहराइण चाहींदसि। मुंहिंजो जेको कविताउनि जो पहिरियों मजमू आयो उनजो मुहाक दादा लिखियो हो उन मुहाक जूं जेके आख़िरी सिटूं आहिनि उहे असां सभिनी अदीबनि ऐं कलाकारनि उन्हनि सभिनी लाइ तमामु अहम आहिनि। ॿ सिटूं रुगो आहिनि उहे मुहाक जे पछाड़ीअ जूं त ॾाढो ॾुखियो आहे पंहिंजे निजी पंहिंजनि सुपननि जी ज़िंदगी जीअणु ॾाढो ॾुखियो आहे पंहिंजी निजी पंहिंजनि सुपननि जी ज़िंदगी जीअणु ऐं हिन धंधोड़ी ज़माने में पंहिंजे अंदर जे कलाकार खे जीअरो रखण बि सवलो न आहे। मां सम्झां थी दादा जूं इहे जेके सितूं आहिनि उहे असां सभिनी खे किथे न किथे वरी पंहिंजनि सपननि खे ध्यान में रखण पंहिंजी निजता जेका आहे पंहिंजी निजी जेका ज़िंदगी आहे उनखे जीअण जी हिमत रखण ऐं वरी एतिरी वॾी रियलिटी त ही ज़मानो जेको आहे उहो धंधोड़ी आहे ऐं उन में कलाकार पाण खे जीअरो रखी सघे उहो तमामु ॾुखियो आहे। त मुंहिंजे लाइ त दादा जा इहे जेके लफ़्ज़ आहिनि उहे हमेशह बल ॾियण वारा लफ़्ज़ आहिनि हमेशह ॼण निंड मां जॻाइण वारा चइजनि ओड़ा लफ़्ज़ इहे मुंहिंजे लाइ आहिनि। तव्हां इहे ॿुधायो त लॻे थो असांजे लाइ बि साॻी महत्व था रखनि जहिड़ो तव्हांजे लाइ था रखनि। कविता पेश करे रही आहियां अॼु हूअं त गर्ल चाइल्ड डे आहे ॿारणियुनि जो ॾींहुं पर इहे ॿारणियूं जेके आहिनि उहे कॾहिं वॾियूं थी वेंदियूं आहिनि ख़बर ई न पवंदी आहे ऐं जॾहिं वॾियूं थी वेंदियूं आहिनि तॾहिं बि अञा नंढियूं नंढियूं हूंदियूं आहिनि। मां जेका इहा कविता पेश करे रही आहियां उहा धीअ जी आहे कविता माउ जे लाइ। कविता जो सिरो आहे शल कोसो भाव न लॻे पुटड़ी
मम्मी छा मां अञा भी तुंहिंजी धीउ आहियां? मम्मी छा तूं अॼु बि मूंखे प्यार करी थी? तो त हमेशा मूंखे पंहिंजे भाकुर में भरे रखियो हो, हर तकलीफ़ खां हर मुसीबत खां मूंखे बचायो हो। हर हर साड़ीअ जे पलव में लिकाए चए थे शल कोसो वाव न लॻे कुटड़ी। ऐं अॼु मां जॾहिं टाक मंझंद जो रस्ते ते बीठी आहियां, उघाड़े पेर उघाड़े न थे त बि तोखे मूंते क्यास नथो अचे। तुंहिंजी पुठी मुंहिंजे साम्हूं आहे, पर मां ॼाणा थी तुंहिंजी अखियुनि में मुंहिंजे लाइ ॻोड़ा आहिनि। मम्मी तो ई त मूंखे सेखारियो हो त पंहिंजे आत्म जी बेइज़ती सहन न कजांइ। तुंहिंजनि लफ़्ज़नि ई मूंखे बल ॾिनो हो ऐं मां लताड़े आयसि हर लीक खे। इहो विश्वास रखी त सॼी दुनिया हेॾां खां होॾां थी वञे, पर तूं त हमेशा मुंहिंजी माउ रहंदी। तूं एतिरी कमज़ोर कीअं थी वई आहीं मम्मी? छा तूं पंहिंजे पुट खां ॾकी थी जेको हेल ताईं बि पंहिंजनि पेरनि ते न बीह सघियो आहे, या उन पतीअ खां जंहिं तोखे कॾहिं बि मान कोन ॾिनो? ऐं तूं उन ई आस में जीअंदी आई आहीं त कॾहिं त ॾींहं बदिलजंदा। शायद नानीअ जी चयल ॻाल्हि तोखां विसरी न आहे त धीअ बस चुप रह, सहंदी रहो, पछाड़ी त तुंहिंजी सरही थींदी। अच्छा मम्मी, मां तो वांगुरु इंतज़ार नथी करे सघां उन मौसम जो जेको मूं पंहिंजे ज्योग्राफी जी किताब में कॾहिं पढ़ियो ई न आहे। पर हा, मूं में हिमत आहे एतिरी जो मां पंहिंजे लाइ पोखियल कंडनि खे गुलनि में बदिले सघां। न रुगो एतिरो, मां तुंहिंजे ग़म जे गोड़नि खे बि ख़ुशीअ जे गोड़नि में बदिले सघां थी। तूं मूं ते भरोसो रख, तुंहिंजे ऐं मुंहिंजे विच खड़ी थियल इहा गोड़नि जी दीवार केराए छॾ। छा ॻाल्हि आहे, वाह, महिरबानी, वाह वाह वाह। हिकु रचना ॿी बि ॿुधण चाहींदासीं विमी जी तव्हांजी। जी ज़रूर जी। अॼु छो जो धीअरुनि जो ॾींहुं आहे, हूअ कविताऊं त ॿियूं बि नज़र मां कढियमि थी, पर मूंखे लॻो त न अॼु उहे कविताऊं पढ़ां मां। हीअ कविता आहे, छा पढ़ी सघीं थो तूं? इहा त मुंहिंजी ज़िंदगी आहे हिकु खुलियल किताब जहिड़ी, सभु पढ़ी सघीं थो तूं। नंढड़ी नींगर जां अम्मा सां खेॾो करणु, बाबा जे मना करण ते खरियल ॿार वांगुरु रुसणु, भाउ जी नई जुती पाइण लाइ ज़िद करणु, दीदीअ जी आङुर छले गॾु वठी हलण लाइ चवणु, सभु पढ़ी सघीं थो तूं। इहा त मुंहिंजी ज़िंदगी आहे हिकु खुलियल किताब जहिड़ी, आरसीअ में पाण खे निहारण ऐं शर्माइण, शादीअ जी ॻाल्हि ते दर पुठियां लिकी वञण, माउ खां धार थियण ते उनखे चंबड़ी पवण, तुंहिंजे घर ईंदे पंहिंजे घर वारनि खे मुड़ी निहारण, सभु पढ़ी सघीं थो तूं। इहा त मुंहिंजी ज़िंदगी आहे हिकु खुलियल किताब जहिड़ी, तुंहिंजो हथ झले चंड में पाण खे ॻोल्हण, तुंहिंजे कुल्हे ते पंहिंजी खाॾी रखी पंहिंजो तिलक सजाइण, वार लसारींदे तेरी अख सां तोखे निहारण, निंड में नज़र बचाए तोखे कारो टीको लॻाइण, सभु पढ़ी सघीं थो तूं। इहा त मुंहिंजी ज़िंदगी आहे खुलियल किताब जहिड़ी, सभिनी खां लिकाए गुडीअ लाइ स्वेटर मणण, नंढड़ो फ्रॉक, नंढड़ा जुराब, चांदीअ जो झुंझण, अचण वारी गुडे लाइ रांदीका बि आणण, पाण सां ई ॻाल्हाइण, मूर्खण, लोली ॾियण, सभु पढ़ी सघीं थो तूं। इहा त मुंहिंजी ज़िंदगी आहे हिकु खुलियल किताब जहिड़ी, उहे ख़ुशियूं, उहो रुअण, उहे सपना, खुली खिलण, उहो सुधखण, मूर्खण,
गाल गाल ते चेहरे ते चमक जो लहराए जान ए नंढी नंढी गाल ते चमक जो गुम थियण सब पढ़ी सगे तो तो ये ते मुंजी जिंदगी आहे एक खुलेल किताब जेरी गुरु न मनी ते एक गाल छमा तो खे के वर्त लिखेल आहिन जादू जी नस सा जिके दिसण में नजर अचन था कोरा कोरा इनन के पढ़न लाए अखियो न खो पाए जाए इनन के पढ़न लाए अखियो न खो पाए जाए बस आस्ते सा मुंजी नजरन के पड़ जाए इहो सब भी पढ़ी सकी थो न तू ये त मुंजी जिंदगी आहे एक खुलेल किताब छे मेहरबानी वाह 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 अच्छा गाना वाकई जिंदगी खुली किताब आहे कि सुछो तहां जो ये जस पहले दफो तहां के बुधण जो रूबरू ये मौको मिलियो आहे तो वाकई पाण के डाडो गर्वित महसूस था क्यों कि तहां जी इन मौजूदगी में आज जी ये गोष्ठी थी रही आहे तहां जो घणो घणो धन्यवाद ए या शुभकामना भी कि आगे ते तहां सा यही मुलाकात थींदी रहे मेहरबानी मेहरबानी खुशी थी मुखे रे जी जी शुक्रिया 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 ए हियर तहां के रूबरू करायो था नागपुर जी राजेश आसुदानी रकीब साहब सा जेके तखल्लुस त रकीब ता रखे पर आहिन सभी जा दोस्त है नागपुर मा राजेश आसुदानी जी अवा जे परिचय मा गुजारिश कई हुई कि तहां जो नढो परिचय दिनो त तन चयो कि मा ताके मोकले न सक्यो त एक नढो परिचय मोकले चयो त नढो परिचय पर मुखे नढो वडो थे लगो छो कि उन जो पहरे ही पढंदे कि 19 गोल्ड मेडल अवा हासिल करा आहिन ए ये 19 मेडल त यूं पियो लॻे कि केर हिक भी हासिल करे त शायद उन जा पेर ज़मीन ते न हुजनि पर हू ज़मीन सां एतिरो जुड़ियल आहिनि राजेश आसुदानी जी ऐं वर्तमान में रिज़र्व बैंक में AGM जी पोस्ट ते कमु करे रहिया आहिनि ऐं ॾाढा सुठा सिंधी हिंदी ऐं अंग्रेज़ी में टे किताब छपिया अथनि अॼु उन्हनि खे ॿुधण जो असांखे मौक़ो मिलंदो पहिरीं बि उन्हनि सां मुलाक़ात थी आहे ऐं उन्हनि खे ॿुधण वाकई असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं अॼु वरी असांखे इहो आनंद माणींदासीं ऐं मूंसां गॾु तव्हां सभई बि ऐं वाकई मञींदा त रकीब साहब ॾाढा सभिनि जा दोस्त साहित्यकार आहिनि गज़लकार आहिनि राजेश जी तव्हांजो घणो घणो स्वागत ऐं इन गुज़ारिश सां कि अॼु जी जेका महफ़िल आहे असांजे सदाहयात साहित्यकारनि खे समर्पित आहे उन्हनि जे बारे में कुझु ॿुधाईंदे पंहिंजी रचना करंदा राजेश असदानी राजेश साहब शुक्रिया शोभा जी उम्मीद आहे त मां ॾिसण में ऐं ॿुधण में अचां थो सभिनी खे बिल्कुलु 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 भाउ ॾिसण में ऐं ॿुधण में हा शुक्रिया ख़वातीन हज़रात हीअ अखंड सिंधु संसार पारां हीअ जेका पोइट्स मीट जो आहे सदा हयात असांजे शाइरनि श्री कृष्ण खटवाणी असांजा कहाणीकार ऐं शाइर श्री महेश नैनवाणी हिननि जी यादि में ॾाढी बढ़िया हिकु सिलसिलो क़ाइमु थियो आहे हले थो ऐं सभु ॿुधायो बि कीअं असां सभु हिकु तरीक़े सां जुड़ियल आहियूं उन्हनि सां मां तव्हांखे ॿुधायां की मुंहिंजो पहिरियों मुक़ामेलो खटवाणी साहिबनि सां जेको थियो तॾहिं मां 12 दर्जे जो तालिब इल्म हुउमि त अचानक रैपिड रीडिंग सेक्शन जेको थींदो आहे सिंधी विषय में उन में खटवाणी साहिब जो ॿ कहाणियूं मां तव्हांखे छा ॿुधायां सॼो साल मां सिंधीअ जो ॿियो या ॿिए सब्जेक्ट जे पढ़ण खां वध में वधि खटवाणी साहिब जूं कहाणियूं कहाणियूं पढ़ां पियो छो दे वेर सो एनग्रोसिंग हिकु टीनेजर लाइ ऐं जीअं उहे लिखंदो आहे खटवाणी साहिब जीअं लिखंदा आहे तव्हांखे ख़बर आहे सभिनी खे त ज़िंदगीअ जी जेका हक़ीक़त आहे जेका ज़िंदगी असांजे नसुनि में वहे पई थी उन जे बाबति बिल्कुलु बिल्कुलु चिटो लिखंदा हुआ ऐं बिल्कुलु साफ़ साफ़ लिखंदा हुआ ऐं पढ़ी वाकई मूंखे तॾहिं खां वठी सिंधीअ लाइ जेको लाड़ो लॻो त पोइ धीरे धीरे कुझु मां बि लिखणु शुरू कयो ऐं मां उन्हनि जी इहा इनायत मञा थो ऐं पंहिंजे वॾे भाउ डॉक्टर विनोद आसुदाणी उन्हनि जी रहनुमाईअ में मां कुझु कुझु लिखी सघंदो आहियां शायदि त हिकिड़ो हा वेझड़ी हिकिड़ो मजमूओ जेकर नाले सां शाया थियो आहे हिन ई साल ऐं भोपाल में ही उनजो इनॉग्रेशन थियो हो त
शुरुआत में उन्हें जो उनवानी गजल जेको आहे वो पेश करने जी इजाजत चाहे थो मतलब ये हथड़ो तोखे लाया जेकर किस्मत कुछ चमकाया जेकर हथड़ो तोखे लाया जेकर किस्मत कुछ चमकाया जेकर छोथी करी जोगिन सा गालियों मां तोखे भमलाया जेकर छोथी करी जोगिन सा गालियों मां तोखे भमलाया जेकर मिले कदें जे भगवन मुखे वे ही कुछ समझाया जेकर मिले कदें जे भगवन मुखे वे ही कुछ समझाया जेकर राकस खावद भगवन लेखे बाल कुमार रिझाया जेकर राकस खावद भगवन लेखे बाल कुमार रिझाया जेकर किए थी सघंदुस तो जड़ो पर हाँ साईं कृष्ण खटवाणी साहब सदा हया तो महेश नैनवाणी साहब ने अर्ज है शेर उन जी खिदमत में कि किए थी सघंदुस तो जड़ो पर किए थी सघंदुस तो जड़ो पर तुंजा कपड़ा पाया जेकर किए थी सघंदुस तो जड़ो पर तुंजा कपड़ा पाया जेकर मोटे थो दिलबर जे दर ता मोटे थो दिलबर जे दर ता चंदे रखे परचाया जेकर मोटे थो दिलबर जे दर ता चंद रखे पर चाया जेकर साड़े सारियूं कोर्ट कचहरियूं साड़े साड़े सारियूं कोर्ट कचहरियूं के सिक्का उछलाया जेकर साड़े सारियूं कोर्ट कचहरियूं के सिक्का उछलाया जेकर अऊं ही शेर दिसजो ही शेर दिसजो खास तौर सां कि उन्हारे में बाहर खटते उन्हारे में बाहर खटते समझी तो सुस्ताया जेकर उन्हारे में बाहर खटते समझी तो सुस्ताया जेकर वो मख्ते जो शेरा कि हैफ रकीब आ तुहिंजे जिद ते हैफ रकीब आ तुहिंजे जिद ते वर वर दर खड़काया जेकर हैफ रकीब तुंहिंजे ज़िद ते बर बर दर खड़काया जेकर हथड़ो तोखे लाया जेकर किस्मत कुछ चमकाया जेकर छोथी करी जोगिन सां ॻाल्हियूं मां तोखे भुलाया जेकर इजाज़त हुजे वक़्तु हुजे त हिकिड़ो थोरो तरन्नुम में ॿ चार शेर ख़ासि तौर सां जेके आहिनि जी अर्ज़ु आहे मतिलबु ॾिस फुरे विया लखसे विया ॾिस फुरे विया लखसे विया केर हा छोरा खसे विया ॾिस फुरे विया लखसे विया केर हा छोरख सेव्या किया चवा छाछाख सेव्या किया चवा छाछाख सेव्या ये रुगो पैसाख सेव्या ये रुगो पैसाख सेव्या केर हा छोराख सेव्या दिस फुरे व्या लाख सेव्या बिन टकन जी शैवतम पी बिन टकन जी शैवतम पी कचरियों बेदाख सेव्या कचरियों बेदाख सेव्या केर हा छोराख सेव्या रोज बेदारिया जचरचा रोज बेदारिया जचरचा
राम अल्लाह सेव्या, राम अल्लाह सेव्या, कहड़ो भगवन न्याओ, कहड़ो भगवन न्याओ, कहड़ो मुँह हथा से साख सेव्या, था से साख सेव्या, केर हा छोराख सेव्या, रिसुफरे व्यालाख सेव्या, रिसुफरे व्यालाख सेव्या। शुक्रिया मेहरबानी बसवादी का समय कोने शायद शुक्रिया वाह वाह मैं दिल तो ना भर दिया भाव वक्त भर जी भी हुआ पर दिल अजा भर दिया तो ना सभी की सेने सहते कारण सा अजा यही गाने जी जेकर वक्त रुक जीवन में जेकर ही वक्त रुक जीवन में काश जेकर रुक जीवन बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया आता वक्त वक्त दिनों तो वरी जरूर गर्जे नासी अज जो गोष्ठी ते पूरी कया उन खा पहरी असन जे सबनी साहित्य प्रेमीन के या जान देण चाहिदस त अज जी ये शाम जे का हुई सदा हयात कृष्ण खटवाणी साहब ए महेश नैनवाणी जी के समर्पित हुई ए अगले आरतवार ते सागे वक्त यानी 7 बजे असा जे कही है साहित्य जी महफिल समर्पित कंदा सी वो असन जे भोपाल जे खियलदास बेगवाणी फानी साहब के ए खूबचंद पागल प्रेमी साहब जे के सांदे संत नगर जाई हुआ तो उन बिनिन के याद कंदे असा जरूर या अगली शाम मिलंदा सी ए वणण खा पहरी तहां सबनी अदीबन जो दिल सा शुक्रिया कनम शुक्रिया कनम ए हिक महेश नैनवाणी जी हिन गाल खा पूरो करे बिना ये शाम पूरी न थींदी छोकि तांके बुधाइण चाहिंदा सी सिंधियत जे वाधारे लाए आओ असा ये साहित्यिक गोष्ठियों ए असा जो जी अखंड सिंधु संसार ही कम करे रहे वाए सिंधी भाषा सिंधी साहित्य सिंधी संस्कृति के वाधारे जे लाए महेश नैनवाणी पहरी हिंदी में लिखंदा हुआ असा जे भोपाल जा ही शायर हुआ हिंदी में लिखंदा हुआ त एक दफो उनन जी नारी भाऊ सा नारी लछवानी जन सा पहरे दफो भेंट जेका थी हुई उन्हन खा या जान मुखे मिली कि उन्हन मिलन आया कि पहेंजी हिंदी किताब शाया करण जे सिलसिले में पर उन्हन के पहें गाल गाल में खबर पई कि वो सिंधी हैं बई जणा है पाण में उन्हन चयो कि उन्हन हिंदी कविताओं जो तर्जुमो सिंधी में कजे त उन्हन चयो भाऊ वो तो मुखे ईंदो कोने त लछवाणी जन उन्हन जी सिंधी रचनाओं जो तर्जुमो कयो ऐं सिंधी अरबी लिपिअ में उन जी उहा बुक शाया कई वई पर उन्हनि खे इहो महेश नैनवाणी जन खे इहो अफ़सोस रहियो कि इहे मुंहिंजी किताब सिंधी सिंधी अरबी में छपजी आहे पर मां पंहिंजी किताब पाण ई कोन थो पढ़ी सघां त उन्हनि छा कयो कि उन्हनि जी माता जेका पाण नौकरी जे सिलसिले में भोपाल रहंदा ऐं उन्हनि जी माता बड़ौदा में हुआ उन्हनि खे उन्हनि हिते भोपाल घुरायो ऐं उन्हनि खां सिंधी सिखियऊं ऐं उहा सिंधी पंहिंजी किताब पढ़णु शुरू कयूं त इहो कहिड़ो जज़्बो हिकु पंहिंजी मतिलबु हिकु माउ जो सहारो वरितऊं ॿिए माउ खे ॼाणण लाइ छोकी चवंदा आहिनि की जॾहिं ॿार ॼमंदो आहे त उन्हनि खे टे माताऊं हिकु साथ मिलंदियूं आहिनि हिकु मातृभूमि ॿी जननी ऐं टी भाषा त पंहिंजी जननी खां पंहिंजी भाषा खे सिखियऊं त वाकई जेका माउ हिंदोरे में लोली पंहिंजी भाषा में ॾे उनखे ई मातृभाषा चवंदा आहिनि जेका माउ जे मुख खां ॿुधे ऐं उन महेश नैनवाणी जन इन कहावत खे जीवित कयो जीवंत उन्हनि इनखे जियो इनखे जी 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 करे उन्हनि पंहिंजी भाषा खे ॼाणे करे पंहिंजी किताब पढ़ियूं त वाकई असां बि पंहिंजी सिंधियत खे ज़िंदा रखण लाइ पंहिंजी भाषा खे ज़िंदा रखूं इन उमेद से गड अगले हफ्ते वरी असन नवन साहित्यकार नवन वर्तमान साहित्यकार जरूर गरजंदी तेसी तीन।